नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप 12th पास हैं या फिर आप 10th पास हैं या फिर दोस्तों आपने ITI कर रखी है या आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है या दोस्तों आपने होटल मैनेजमेंट कर रखा है या आपने मेडिकल के अंदर कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है या आपने दोस्तों BSc कर रखी है, MSc कर रखी है, MBBS कर रखी है, MD कर रखी है या फिर आपने दोस्तों ANM, GNM यानी कि आपने कुछ भी कर रखा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी दोस्तों निकल कर आ रही है टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जो टाटा मेमोरियल सेंटर है उसके द्वारा मेडिकल, नॉन मेडिकल और टेक्निकल की पोस्ट पर तो वैकेंसी निकाली गई है काफी अच्छी संख्या में, जिसके अंदर दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है और सैलरी के साथ साथ आपको दोस्तों अलग बेनिफिट्स, अदर अलाउंस होते हैं वो भी मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, टाटा मेमोरियल सेंटर के अंदर निकली हुई मेडिकल, नॉन मेडिकल और टेक्निकल पोस्ट पर वैकेंसी की भर्ती की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर ये जो वैकेंसी निकली हुई है इसके अंदर कितनी पोस्ट है, क्या किस किस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या आपकी एज लिमिट है, इसमें अप्लाई करने के लिए क्या आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, कितनी आपको किस किस पोस्ट पर सैलरी मिलने वाली है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा यानी कि आपका सिलेक्शन किस बेस पर रहेगा, तो वो सब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले अपडेट्स और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर दोस्तों, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें आपकी इस वैकेंसी की, तो यह है आपकी टाटा मेमोरियल सेंटर रिक्रूटमेंट या भर्ती 2024, जिसके अंदर दोस्तों बात करें तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है या फिर जो टाटा मेमोरियल सेंटर है दोस्तों, वो दोस्तों एक कैंसर सेंटर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दोस्तों मेडिकल, नॉन मेडिकल और टेक्निकल की पोस्ट है जिनके ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, जिनके अंदर अच्छी बात यह है कि आप 10th पास हैं, आप 12th पास हैं, आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, आपने ITI कर रखी है या फिर दोस्तों आपने यहाँ पर डिग्री कर रखी है, स्नातक डिग्री कर रखी है, BSc कर रखी है, MSc कर रखी है या फिर दोस्तों आपने मेडिकल के अंदर कोई BSc नर्सिंग वगैरह कर रखी है, GNM कर रखी है, ANM कर रखी है या फिर आपने डिग्री भी कर रखी है MBBS, MD वगैरह की, तो यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की, कि टोटल कितनी वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल 87 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। जी दोस्तों, देखिए ये जो आपकी वैकेंसी है ये निकाली गई है यहाँ पर 87 पोस्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट है, किस किस पोस्ट के लिए आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी उसके अंदर एज लिमिट है। दोस्तों अगर हम इन सब के बारे में बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी काफी सारी वैकेंसी है, जिसके अंदर हम बात करें पोस्ट की, पहली है यहाँ पर दोस्तों मेडिकल ऑफिसर ई, जिसके अंदर 7 पोस्ट है, इसके लिए आप दोस्तों एज लिमिट है, अपर एज लिमिट अप टू 45 साल, यानी कि 45 साल की एज तक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिसमें अप्लाई करने के लिए आपके जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो है आपकी MD, DM, DNB, MCH इन कंसर्न स्पेशलिटी। इसके साथ साथ दोस्तों अगली पोस्ट है आपकी यहाँ पर मेडिकल साइकेट्रिस्ट, जिसकी दोस्तों यहाँ पर 2 पोस्ट है, एज लिमिट है आपकी 35 से 45 साल, जिसके अंदर दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मांगी गई है आपकी MSc इन फिजिक्स या फिर डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। दोस्तों इसके साथ देखिए दोस्तों अगली पोस्ट है ऑफिसर इंचार्ज, 1 पोस्ट खाली है, जिसके दोस्तों आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल, उसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने कर रखा है बी फार्मा या MBBS या PG डिग्री या फिर दोस्तों डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों अगली पोस्ट है आपके लिए यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट सी, जिसकी यहाँ पर दोस्तों 1 पोस्ट खाली है, एज लिमिट है आपकी 35 साल मैक्सिमम, जिसमें अप्लाई करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर मांगा गया है BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन और इक्विवेलेंट विद PG, DFIT या फिर DMRIT। अगर आपके पास ये है तो आप दोस्तों इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, आप इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों अगली पोस्ट दोस्तों आपकी यहाँ पर है साइंटिफिक ऑफिसर SB, जिसकी यहाँ पर दोस्तों 1 पोस्ट खाली है, एज लिमिट आपकी वही है मैक्सिमम 35 साल, और जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने कर रखी है दोस्तों MSc या फिर BAMS या फिर BHMS या फिर डिप्लोमा विद सर्टिफिकेट कोर्स इन क्लिनिकल रिसर्च, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों हम बात करें अगली पोस्ट की, तो वह है आपकी असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, जिसकी दोस्तों 1 पोस्ट खाली है,
और जिसके अंदर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 45 साल, और जिसमें अप्लाई करने के लिए दोस्तों अगर आपने कर रखी है MSc, BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर GNM या कोई डिप्लोमा दोस्तों, या फिर दोस्तों ऑनकोलॉजी नर्सिंग, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है आपकी फीमेल नर्स ए, इसकी 58 पोस्ट खाली है। सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर आपकी फीमेल नर्स ए की ही पोस्ट खाली है, इसके लिए एज लिमिट है 30 साल मैक्सिमम। और इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने कर रखी है GNM प्लस डिप्लोमा इन ऑनकोलॉजी नर्सिंग, और या फिर दोस्तों आपने बेसिक और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर अगली पोस्ट है किचन सुपरवाइजर, जिसकी एक पोस्ट खाली है, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपसे मांगा गया है डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। अगर आपने होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रखी है तो आप किचन सुपरवाइजर की पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं, जो कि सरकारी नौकरी है। और दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर टेक्नीशियन सी इन ICU और OT, जो ICU और OT है दोस्तों उसके अंदर सी ग्रेड के टेक्नीशियन की भर्ती है, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप 12th पास हैं साइंस सब्जेक्ट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपने डिप्लोमा कर रखा है रिलेवेंट डिसिप्लिन में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें अगली पोस्ट की, तो वो है आपका दोस्तों ए ग्रेड टेक्नीशियन, जिस वो है हाउस कीपिंग के अंदर, जिसमें एक पोस्ट खाली है। और अप्लाई करने के दोस्तों अगर आप 12th पास हैं या फिर आपने डिग्री कर रखी है या फिर आपने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रखा है, तो दोस्तों आप यहां पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगली पोस्ट है यहां पर टेक्नीशियन ए ग्रेड इन मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, यहां दोस्तों मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के अंदर ए ग्रेड टेक्नीशियन की भर्ती है, जिसके अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट चाहिए मैक्सिमम 27 साल, और जिसके अंदर दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहां पर मानी गई आपसे 10+2 यानी कि आपने 12th पास कर रखी हो साइंस स्ट्रीम के अंदर, या फिर दोस्तों आपने यहां पर डिप्लोमा कर रखा हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर। अगली पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रिकल, इसके लिए भी आपकी दोस्तों एक पोस्ट खाली है, मैक्सिमम 27 साल आपकी एज लिमिट है, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपने कर रखी हो 10th स्टैंडर्ड प्लस ITI इलेक्ट्रिशियन। अगर आपने ITI कर रखी है तो आप यहाँ पर दोस्तों सरकारी नौकरी पा सकते हैं टाटा मेमोरियल सेंटर के अंदर, जो कि आपका दोस्तों कैंसर का रिसर्च सेंटर है, हॉस्पिटल है दोस्तों। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगली यहाँ पर, वो है आपकी टेक्नीशियन ए एंडोस्कोपी, जिसकी एक पोस्ट खाली है, जिसमें अप्लाई करने के लिए मांगा गया है आपसे दोस्तों 12th स्टैंडर्ड साइंस यानी आप 12th पास कर रखी हो साइंस के अंदर, या फिर दोस्तों आपने डिप्लोमा कर रखा हो एंडोस्कोपी टेक्निक्स के अंदर। अगर आपने एंडोस्कोपी टेक्निक के अंदर डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने 12th पास कर रखी है साइंस स्ट्रीम से, तो यहाँ पर आप टेक्नीशियन ए एंडोस्कोपी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर स्टेनोग्राफर, यहाँ दोस्तों जो स्टेनो होते हैं उनकी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, जिसकी यहाँ पर 6 वैकेंसी है, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपने कोई सी भी डिग्री कर रखी हो BA, BSc, BCom, BTech यानी आपने कुछ भी डिग्री कर रखी है किसी भी स्ट्रीम के अंदर, तो आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी एज लिमिट वही है मैक्सिमम 27 साल। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर एक और है, वो है आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क, दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क है, उसकी यहाँ पर 3 वैकेंसी है और उसके लिए भी आपकी एज लिमिट 27 साल मैक्सिमम, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने किसी भी स्ट्रीम के अंदर कोई भी डिग्री कर रखी है, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, BCA हो, या फिर आपने BTech कर रखी हो, तो भी आप यहां पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि दोस्तों यहां पर सरकारी नौकरी है। तो मेरे पहले साथी ये होता थी आप सबके लिए कि कितनी पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी वहां पर दोस्तों आपकी एज लिमिट मांगी गई है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की। देखिए दोस्तों ये जो भर्ती है टाटा मेमोरियल सेंटर के अंदर, इसके जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके थे 17 अप्रैल 2024 से। जी हाँ दोस्तों देखिए 17 अप्रैल 2024 से आपके यहाँ पर फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और फॉर्म भरने की अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी दोस्तों देखिए 7 मई 2024। दोस्तों यहाँ पर आप 17 अप्रैल 2024 से लेकर 7 मई 2024 तक इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पर सैलरी की, कि किस किस पोस्ट पर कितनी कितनी सैलरी है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जो सैलरी है ये होगी आपकी अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देखिए जो पोस्ट है, जो वैकेंसी है, वो 10th पास वाले के लिए भी है, ITI वाले के लिए भी है, 12th पास वाले के लिए भी है, और BSc, MSc, MBBS, GNM, ANM जो नर्सिंग है, तो सबके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, जिसको आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके उसके अंदर आप जिस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं दोस्तों अगर आपको बताऊं यहाँ पर इन जनरल, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली वो मिलेगी यहाँ पर दोस्तों देखिए लेवल 2 से लेकर जो लेवल 2 है, जिसके अंदर दोस्तों देखिए आपकी सैलरी आती है शुरू होती है 19,900 रुपए से, या आपकी दोस्तों बेसिक होती है। इसके साथ साथ आपके जो अलग अलग अलाउंस होते हैं, आपकी मेडिकल फैसिलिटी होती है, आपके जो महंगाई भत्ते होते हैं, आपके दोस्तों अलग अलग अलाउंस हैं, वो सब जुड़ के
आपकी सैलरी दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाती है, जो आपको मिलेगी लेवल टू वाली मिलेगी दोस्तों आपको यहाँ पर, जो टेंथ पास वाली पोस्ट है, जो आईटीआई वाली पोस्ट है दोस्तों। और इसके साथ जो आप यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी है वो है दोस्तों आपकी लेवल 12, यानी कि दोस्तों लेवल 2 से लेकर लेवल 12 तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, जिसके अंदर आपकी जो बेसिक सैलरी है वो है दोस्तों आपकी यहाँ पर 78,800 रुपए पर मंथ, ये तो आपको बेसिक है। इसके अलावा इसके अंदर आपके जो एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, आपका दोस्तों डीएनएस अलाउंस, आपके मेडिकल फैसिलिटीज, आपके दोस्तों अदर अलाउंसेस वगैरह मिलके आपकी सैलरी यहाँ पर दोस्तों 1,00,000 से ऊपर हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों सैलरी है वो 19,000 से लेकर आराम से आपके यहाँ पर 30,000 रुपए या फिर 31,000 रुपए दोस्तों आपकी सैलरी पहुंच जाती है इन पोस्ट के लिए। और मतलब इसके अंदर दोस्तों लेवल 2 यहाँ पर जो लेवल 12 तक के जो पोस्ट है, तो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ के, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के, इसमें आवेदन करने के लिए आपकी कितनी फीस लगने वाली है। तो देखिए दोस्तों, जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है उनके लगेंगे यहाँ पर 300 रुपए आवेदन फीस के रूप में। यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपके 300 रुपए फीस के रूप में लगने वाले हैं अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं। इसके अलावा अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, या फीमेल हैं, या फिर दोस्तों आप पीडब्ल्यूडी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, तो आपका अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज है जो मैं बताना भूल गया कि जो आपकी एज लिमिट थी वो काफी में थी 27 साल दोस्तों, और काफी में थी 35 साल। तो 27 साल वाली एज लिमिट है वो दोस्तों आपकी यहाँ पर जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, इस प्रकार से आपकी अलग अलग कास्ट अलग अलग कैटेगरी है, तो आपको आपकी कास्ट और कैटेगरी के बेस पर 3 से लेकर दोस्तों 5 साल तक की यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी दोस्तों अप्लाई करने के लिए। तो आप अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर देख लें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप किसके लिए दोस्तों फिट बैठते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन दोस्तों, उसको देख के। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर आपके अदर बेनिफिट्स की, यानी कि यहाँ पर सैलरी के अलावा आपको अदर क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अगर आप यहाँ पर टाटा मेमोरियल सेंटर के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं इन पोस्ट पर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अलाउंस मिलेंगे अलग अलग, जिसके अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको डीए, एचआरए, टीए तो मिलने ही है। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, ऑफिसर्स की पोस्ट है तो उनको दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है, किस चीज के लिए, पार्टिसिपेट इन नेशनल इंटरनेशनल मेडिकल मीटिंग्स, वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आफ्टर देयर प्रोबेशन पीरियड। जो ऑफिसर्स की पोस्ट दोस्तों, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उसमें सेलेक्ट होने के बाद आपको जब आपका जो प्रोबेशन पीरियड है पूरा हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है, जिसके अंदर आप दोस्तों इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मेडिकल मीटिंग होती है, कोई वर्कशॉप होती है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है दोस्तों, उसको अटेंड करने के लिए आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एड मिलने वाली है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, और दोस्तों आपको यहाँ पर अकोमोडेशन मिलेगा रहने के लिए, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सरकारी नौकरी है। तो दोस्तों जो भी फैसिलिटी एक सरकारी जॉब के अंदर होती है वो सब आपको यहाँ पर दी जाएंगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि अलग अलग पोस्ट है इनके अंदर आपका सिलेक्शन किस बेस पर होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, पहले आप अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको दोस्तों इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर इंटरव्यू के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होना दोस्तों। उस एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, आप जिस भी स्किल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपका स्किल टेस्ट होना है। और अगर आप इन सब में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको टाटा मेमोरियल सेंटर के अंदर दोस्तों रिक्रूट यानी कि भर्ती कर लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आप सब लोगों के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर के अंदर निकली हुई मेडिकल, नॉन मेडिकल और टेक्निकल दोस्तों जॉब और वैकेंसी की भर्ती को लेकर संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।